श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। ये वीडियो कोविड-19 जो चल रहा है उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए और पूरे विश्व में जो ये महामारी फैली हुई है उससे बचने के लिए, उससे बाबा को प्रार्थना करने के लिए कि हमें इसमें से बचा ले, निकाल ले और सभी चीज़ें जैसे पहले थी वैसे नॉर्मल हो जाए। अभी तो हमारा जीवन जैसे थम सा गया है, तो उसी के चलते हुए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और आपके साथ एक उपाय शेयर करने जा रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो मुझे कई साईं भक्तों ने पूछा कि हम क्या करें, तो जो मैं करती हूँ वो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये उपाय श्री हनुमान चालीसा का और साईं बाबा का ये एक कंबाइन सा उपाय है। हनुमान जी महाराज को मारुति को सभी जानते हैं और मारुति का, महावीर का रिश्ता बाबा से सभी जानते हैं। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं इस पृथ्वी पर, वो हमेशा ही विचरण करते रहते हैं। तो हनुमान चालीसा के बारे में भी महत्व उसका बहुत है, बारे में सभी लोग सभी भक्त जानते हैं कि हनुमान चालीसा क्या है। वो अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है, तो उसी का उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने पूजा घर में जो आपका पूजा स्थान है उधर बैठ जाएं, उसमें एक दिया जला ले, अगरबत्ती जला ले, जो भी आपको जलाना है, किसी एक चीज़ करने वो कर ले आप। साथ में आपको प्रसाद ले ले और पानी ले ले ऑफर करने के लिए, गॉड को, भगवान को ऑफर करने के लिए आप प्रसाद ले ले हनुमान जी महाराज को ऑफर करने के लिए। तो प्रसाद में आपको स्पेसिफिक चीज़ लेनी है, वो है बादाम, आलमंड या फिर ग्राउंड नट, मूंगफली के दाने या फिर चने, जो खाने वाले होते हैं चने के दाने, कोई भी ऐसी चीज़ जो दाने के स्वरूप में है जो गिन सकते हैं आप, वैसा कोई प्रसाद ले ले। तो वो प्रसाद आप गिन के दाने, 11 दाने आपको लेने हैं, मिनिमम 11 दाने लेने हैं। और जो पानी लेना है साथ में, पानी का ग्लास या कटोरी लेनी है, वो आपको भगवान के सामने रख देना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको कितनी बार हनुमान चालीसा, आपको 11 बार हनुमान चालीसा करना है। और हनुमान चालीसा करते हुए आपको एक एक दाना बादाम का है या जो भी चीज़ आपने ली है, वो एक एक दाना एक कटोरी में से दूसरे कटोरी में ट्रांसफ़र करना है। एक हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, उसके बाद एक दाना उठाया बादाम का और दूसरे कटोरी में रखा, जैसे एक हनुमान चालीसा फिनिश की आपने, तो आपको गिनना है कि एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ऐसे करके जो 11 दाने आपने लिए हैं जिस चीज़ के भी, उसको आपको दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र करके 11 गिनना है कि आपकी 11 हनुमान चालीसा हो गई है। आपको कोई भी चीज़ ले सकते हैं पर वो गिनने वाली होनी चाहिए। और पानी लेना है उसमें आपके पास, अगर उदी है तो आपको उदी डालनी है, अगर आपके पास उदी नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब उदी है तो उदी डालना, नहीं है तो आप ऐसे ही पानी रखो। ऐसा करके आपको 11 हनुमान चालीसा करना है। उसके बाद आपको श्री साईं अष्टोत्तर नामावली, जो साईं बाबा के भक्त हैं उनको पता है साईं अष्टोत्तर नामावली क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आपको श्री साईं अष्टोत्तर नामावली उसमें ऑनलाइन मिल जाएगी, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हो। उसमें साईं बाबा का 108 नाम है और उस 108 नाम में श्री साईं बाबा का एक नाम है, ओम श्री साईं आरोग्य क्षेम दाय नमः। इस 108 नाम में से ये एक साईं बाबा का नाम है जो हमें आरोग्य और क्षेम, क्षेम कुशल, हमारा अच्छा आरोग्य और क्षेम हमें प्रदान करते हैं। ये नाम की हमको माला जपनी है, एक माला मिनिमम जपनी है। एवरी डे आपको 11 दाने प्रसाद के लेके 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करते हुए एक एक दाना दूसरी कटोरी में ट्रांसफर करना है और श्री साईं अष्टोत्तर नामावली में से
जो साईं बाबा का नाम है ओम श्री साईं आरोग्य क्षेम दाय नमः, इस मंत्र का, इस नाम का आपको माला करना है मिनिमम वन। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करें, ज़्यादा टाइम है अभी हमारे पास तो हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, किसी की कैपेसिटी नहीं है, तो आप एक ही माला करें, पर एक तो ज़रूर करें। और ये नाम श्री साईं बाबा के कई बुक्स में 108 नाम दिए गए हैं, उसमें से 22 नंबर का नाम है। मेरे पास जो बुक है उस दोनों बुक्स में 22 नंबर का है, तो अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें भी वो 22 नंबर का नाम होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको फिर से बोल के बता रही हूँ, और आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूँगी। नाम है ओम श्री साईं आरोग्य क्षेम दाय नमः। और हनुमान चालीसा तो सभी के घरों में होती ही है, सबके घर में है, सबके पास होगी। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन इसको ढूंढ लें। आपको 11 हनुमान चालीसा करना है और एक बार माला करनी है। ये सब करना है आपको 21 डेज तक। और एवरी डे जब ये प्रसाद आपको एक एक करके आपने जो ट्रांसफ़र किया, वैसे आपके पास होगा 11 दाने का प्रसाद और पानी। ये 11 दाने का जो प्रसाद है वो आपको घर में सभी सदस्य को बांट देना है, और आपको भी खाना है, और ये पानी जो अभी मंत्रित किया है वो पीना है। ये जो हम सारा प्रोसेस करते हैं, कर रहे हैं, जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, इसको कहते हैं अभिमंत्रित करना। इसका मतलब है कि जो आप हनुमान चालीसा बोलोगे, जो पाठ करोगे, आउट लाउड बोलोगे जैसे, इससे एक कंपन उत्पन्न होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, वो प्रसाद में ट्रांसफ़र होती है और पानी में ट्रांसफ़र होती है। और इसके माध्यम से ये हमें कंज्यूम करने से, ये पीने के माध्यम से, पानी पीने के माध्यम से और खाने के माध्यम से, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। नेगेटिव एनर्जी से हमें, ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे तरफ आ रही है, जैसे वायरस के रूप में हो, या कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, रोग के रूप में हो, शोक हो, ताप हो, दुख हो, ये सभी एक मानसिक हमारे भाव हैं। और आरोग्य के फिजिकली भी कोई चीज़ें हमें अटैक करती है, जैसे वायरस हो गया, जो अभी COVID-19 चल रहा है, इसी के चलते हम ये बात कर रहे हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है ये प्रसाद खाने से। इस प्रसाद को अभिमंत्रित प्रसाद कहते हैं। ये मैं खुद करती हूँ, और ये मैं कई मंत्रों को करके भी करती हूँ, दूसरे दूसरे डिफरेंट ओकेजन पे, पर वो बात हम अभी नहीं करें। हम सिर्फ यही COVID-19 से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, ये 11 हनुमान चालीसा का पाठ से हम प्रसाद के दाने अभिमंत्रित करेंगे, पानी अभिमंत्रित करेंगे, और इससे हमको नेगेटिव एनर्जी के सामने प्रोटेक्शन मिलेगा और पॉजिटिव एनर्जी हमें रिस्टोर होगी। इससे पूरे घर में, जब आप ये आउट लाउड पढ़ोगे हनुमान चालीसा, तो पूरे घर में एक सुरक्षा चक्र घेरा बन जाएगा हनुमान जी महाराज का और बाबा का। और जो माला मैंने आपको बताई है ओम श्री साईं आरोग्य क्षेम दाय नमः, इससे हमें आरोग्य की प्राप्ति होगी। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि पूरे विश्व में जो अभी कोरोना वायरस है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए, और जब सब कुछ ठीक हो जाए, जब जैसा पहले था वैसा हो जाए, अभी जो जिंदगी सबकी थम गई है, पूरे विश्व में प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उससे बचने के लिए, इससे बाहर आने के लिए हम साईं बाबा को ये माला के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि हमें आरोग्य प्रदान करें, हमारा क्षेम कुशल दे, हमको आरोग्य दे, सभी को आरोग्य दे, और सभी को इससे प्रोटेक्शन मिले। तो आप ये जरूर करें। आपके घर में छोटे, एकदम से छोटा बच्चा हो तो उसको आप पानी पिलाएं, और जो नहीं खा सकते, इसीलिए हमने पानी भी रखा है उदी वाला साथ में। अगर उदी नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी भी अभिमंत्रित हो जाएगा इससे। तो आप सबको पानी बांट दें और ये प्रसाद बांट दें। पर हाउस अगर आपको किसी और के लिए भी करना है, रिलेटिव के कर लिए करना है, तो आप उनको प्रार्थना करें। पर आप इन सभी को, अगर किसी को बताना है तो आप इसको, ये उपाय बताएं, क्योंकि आई रिकमेंड कि पर हाउस ये होना चाहिए। आप अभिमंत्रित करके दूसरों को मत दे, अपने घर में ही सबको दे जो अपने घर में है, और आप खुद ले। अगर किसी के लिए करना है तो आप कर सकते हैं, पर आप उनको रिकमेंड करें कि वो खुद करें,
अगर ये हनुमान चालीसा हम खुद करते हैं तो हम में भी एक एनर्जी होती है, एनर्जी क्रिएट होती है जो हमें सभी प्रकार के प्रॉब्लम से, दुखों से, रोगों से हमें प्रोटेक्शन देती है। तो जो जितने खुद कर सकते हैं वो खुद करें, जो घर में दूसरे नहीं कर सकते तो उसके लिए घर में एक इंसान करे और अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें बाबा की प्रार्थना से, हनुमान चालीसा से। तो ये एक उपाय जो मैं खुद करती हूँ वो मैंने आपको बताया। मुझे कई साईं भक्तों ने पूछा, तो जब मैं खुद के लिए कर रही थी तो बाबा ने मुझे एक इंडिकेशन से दी कि जो तुम खुद करती हो वही शेयर करो। तो मुझे एक बार तो कन्फ्यूजन हुआ कि मैं बताऊं कि नहीं, ये वीडियो बनाऊं कि नहीं, पर फिर मैंने बाबा से पूछा चिट्ठी डाल के कि शुड आई शेयर दिस व्हाट आई एम डूइंग और शुड आई नॉट, और बाबा ने बोला कि यू शुड शेयर। तो इसी के वजह से मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। हम सभी साईं बाबा से प्रार्थना करें कि शिरडी के मंदिर के द्वार जल्दी ही खुल जाए, हमें दर्शन जल्दी मिले फिर से, और तब तक हम बाबा से प्रार्थना करते रहें। और ये जो मैंने उपाय बताया है वो आप अपने लिए करें, अपने फैमिली के लिए करें, पर हाउस करें, एवरी हाउस में करें ये। अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सभी को बताएं कि ये प्रसाद अभिमंत्रित करें हनुमान चालीसा से और खुद खाएं, पानी करें अभिमंत्रित उदी डाल के और वो भी खुद खाएं। अध्याय आप पढ़ सकते हैं 33, 34, तो वो भी पढ़ें, और हो सके उतना ये करें, पर मिनिमम 21 डेज तक ये करना है एवरी डे। और एवरी डे अगर आपके पास सेम प्रसाद नहीं है तो आप कोई दूसरा प्रसाद ले लें, सेम है तो आप सेम ले। मैं ये सब ज़्यादा ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ आई नो कि कमेंट में मुझे सब ये से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे लोग, तो मैं पहले से ही बता देती हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछे, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। ये सभी ये चैनल भी बाबा का है, ये सारे उपाय भी बाबा के हैं, ये सारी इंस्पिरेशन भी बाबा की हैं। बाबा मेरे माध्यम से, मेरे पास जो सुव्यवस्थाएं हैं उसी का उपयोग मेरे से करवा के आपको, सभी साईं भक्तों को, डिवोटीज को मेरे से ये शेयर करवा रहे हैं। तो मैं सभी साईं भक्तों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप विश्व को इस महामारी से उगारने के लिए आप हो सके इतनी प्रार्थना करें, पारायण करें, बाबा की माला करें, जाप करें, हनुमान चालीसा करें। और ये उपाय तो आप स्पेसिफिक उपाय हैं जो मैंने बताया है वो तो आप जरूर करें। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, यूज सैनिटाइजर, अगर आपको बाहर जाना पड़े तो एक डिस्टेंस मेंटेन करें। मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप सब रोग से मुक्त रहें, खुश रहें और प्रे करते रहें बाबा से, और हम सब इस मुसीबत की घड़ी में सबूरी रखें, पेशेंस रखें, जो हमको बाबा ने हमेशा हमेशा सिखाया है कि किसी भी मुसीबत में हमें पेशेंस रखनी चाहिए। तो हैव अ पेशेंस, टिल देन कीप प्रेइंग, हैव अ फेथ, हैव अ पेशेंस। ओम साई राम।